एसएससी जल्द जारी करेगा 70,000 खाली पदों पर वैकेंसी। केंद्र सरकार के विभागों में भरे जाएंगे खाली पद। जीतन राम मांझी बोले, मोदी है तो मुमकिन है। नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रपति चुनाव में बचा था केवल एक ही रास्ता। दिल्ली में नहीं बर्बाद होगा बारिश का पानी। डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले, बनाए जा रहे 1500 से अधिक संचलयन अड्डे। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, 10 की मौत, 7 घायल। योगी सरकार श्रमिक परिवारों को कराएगी तीर्थ यात्रा, लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे 12,000 रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार सिद्धार्थनगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने अपने दौरे से पहले पुलिस लाइन में जनसुनवाई की। इसी बीच एडीजी अखिल कुमार के सामने करीब 10 मामले आए, जिनमें से 8 मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। मीडिया से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में राजस्व के बहुत ज्यादा मामले हैं। इन मामलों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम में शबनमय बनाकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी के साथ बैठक कर इन मामलों को किस तरह कम समय से हल किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस सरकार में एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। पब्लिक पुलिस के बारे में क्या सोचती है, इसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। थाने से लेकर डीजीपी कार्यालय तक थानों में दर्ज मामले की फीडबैक लगातार ली जा रही है और इसी फीडबैक के आधार पर आने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि गोरखपुर क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक निखिल कुमार मौजूदा समय में सिद्धार्थनगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। निखिल कुमार इस दौरान सिद्धार्थनगर जिले के विभिन्न थानों में जाकर जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे, साथ ही पुलिस लाइन के मौजूदा स्थिति का भी निरीक्षण करेंगे। देखिए, जो जनता से यहाँ पर मैं मिला हूँ और जो मेरा अपना अनुभव आया कि ज़्यादातर यहाँ पे राजस्व के मामले 80-90% आए, राजस्व से जुड़े मामले हैं जिसमें फौजदारियाँ हो रही हैं, और उस जो रिलीफ सिस्टम है उसमें जो उनको पब्लिक को रिलीफ मिलनी है उसको डिलीवरी सिस्टम में हमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता की है और हम कुछ नया इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर विचार विमर्श करके हम योजना बना रहे हैं। उस योजना के तहत हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि प्रतिदिन थोड़े समय के लिए आधे घंटे डीएम और एसपी सिर्फ राजस्व के मामले में प्रतिदिन बैठें, क्योंकि जब तक दोनों साथ बैठेंगे तो उनको एक आइडिया भी लगेगा और दोनों के साथ बैठने से बेहतर निस्तारण होगा। तो ये एक विचार आया है और ये अभी जिलाधिकारी के साथ बात करके उसके क्रियान्वयन पर प्रयास करेंगे। एक जो व्यवस्था हम लोग नई व्यवस्था प्रयास कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा मूल्यांकन है अभी व्यवस्था में वो हम लोग का इंटरनल व्यवस्था है, उसमें पब्लिक का फीडबैक नहीं है। तो हमने अभी हाल में एक व्यवस्था शुरू की है जिसमें जनता क्या सोचती है हमारे बारे में, उनका कैसा एक्सपीरियंस है पुलिस के बारे में या पुलिस व्यवस्था के बारे में, वो लेना शुरू किया है। उसके कई पिलर हैं जिसमें जैसे मुख्यमंत्री के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक IGRS की व्यवस्था है जिसमें लोग जन शिकायत भेजते हैं, उसमें जनता की संतुष्टि का क्या प्रतिशत है। इसके अलावा हम ट्विटर पे पोल कराते हैं, हर पुलिस अधीक्षक थाना स्तर पे भी हो रही है, डायरेक्ट पोल भी करा रहे हैं। बहुत लोग ट्विटर पे नहीं है, वो व्हाट्सएप पे हैं, तो उनको हम लोग अलग से लिंक बना के भेजते हैं। इसके अलावा परिक्षेत्र स्तर पर एक हम लोग का एक फीडबैक ऑफिस है जो समस्त FIR और NCR जो हो रहे हैं उसमें वो फ़ोन करते हैं उनसे और उनका अनुभव पूछते हैं और उनके आधार पर रेटिंग तय करते हैं। और एक अंतिम है, वो है आप जानते हैं 112 में जनता फ़ोन करती है और पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, तो उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। इन सभी चीज़ों को जोड़कर एक एवरेज निकालते हैं और उसके आधार पर एक उनकी एक अप्रूवल रेटिंग देते हैं और उस रेटिंग के आधार पर एक बेंचमार्किंग मिलती है सभी को कि वो कहाँ पर है और अगले महीने उनको कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। तो ये एक नई व्यवस्था है जिसमें हम जनता के प्रति हम कैसे उत्तरदायी हो उसको लाने की कोशिश की जा रही है। वो फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये 1-7 के बीच में जब हमारी पोलिंग होती है उसमें पोल करें, वो अपने अनुभव साझा करें। ट्विटर पर वो लिख भी सकते हैं अगर उनकी कोई शिकायत है और किस तरह उनका अनुभव ख़राब हुआ वो भी लिख सकते हैं, ताकि हमको उन फीडबैक के आधार पर सुधार करने का मौका मिले, हम बेहतर कर सकें, ये हमारा प्रयास है।
यूपी के एटा थाना अलीगंज क्षेत्र के डाक बंगला का है मामला। दरअसल इको कार में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कई लोगों की जा सकती थी जान। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। इको कार सवार लोग शादी समारोह सम्मिलित होने में आए थे। इको कार में लगी थी एलपीजी सिलेंडर से आग। सूचना पर पहुंची थाना अलीगंज पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के वालौदा बाजार भाटापाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी डायरेक्टर संदीप राठौर से अभी पूछताछ जारी है। अब तक इस चिटफंड कंपनी के 8 आरोपी डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य 5 फरार आरोपी डायरेक्टरों को गिरफ्तारी शेष है। दरअसल चिटफंड कंपनी साई सुंदरम मालव परिवार स्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर आरोपी संदीप राठौर को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। आरोपी डायरेक्टर संदीप राठौर को भोपाल मध्य प्रदेश से किया गया गिरफ्तार। थाना भाटापाड़ा शहर पुलिस टीम द्वारा लगातार 5 दिनों तक मध्य प्रदेश के सीहोर एवं भोपाल में कैंप कर पकड़ा गया आरोपी डायरेक्टर को विभिन्न समयावधि में 2 गुना राशि देने का झांसा देकर कराया था राशि जमा। थाना भाटापाड़ा शहर में चिटफंड कंपनी के विरुद्ध FIR किया गया दर्ज। तक इस चिटफंड कंपनी के 8 आरोपी डायरेक्टरों को किया जा चुका है गिरफ्तार। पुलिस टीम द्वारा लगातार 5 दिनों तक मध्य प्रदेश के सीहोर में भोपाल से कैंप कर साइबर सेल की तकनीकी टीम की मदद से आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस द्वारा लगातार चिटफंड के फरार डायरेक्टर्स की पता तलाश करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में भाटापाड़ा शहर में पंजीबद्ध अपराध साई सुंदरम मालवा चिटफंड कंपनी के विरुद्ध है, जिसके लिए टीम गठित कर भोपाल रवाना किया गया था। टीम पिछले 5 दिनों से वहां लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः उन्हें डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। डायरेक्टर का नाम है संदीप राठौर और साई सुंदरम मालवा परिवार कंपनी के द्वारा भाटापाड़ा शहर और पूरे जिले के जो में लगभग 3,48,00,000 जो रकम दुगुना करने के ठगी किया गया था, जिसमें अपराध पंजीकृत किया गया था, और साथ ही 2 अन्य आरोपियों को PSL इंडिया भोपाल से लिया पलारी थाने में अपराध पंजीकृत है। उसमें भी फॉर्मल गिरफ्तारी 2 लोग की गई है। इन्हें प्रोडक्शन रिमांड पे जो पूर्व में जेल में निवृत्त थे वहाँ से ला करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गिरफ्तारी किया गया है। तो कुल 3 आज डायरेक्टर चिटफंड कंपनी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और शेष समय डायरेक्टर की गिरफ्तारी है जो भी छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत मोहतरा से सबसे ज्यादा आवेदन राजस्व के मामले मिले तथा अन्य विभागों के भी कई प्रकार के मिले, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, परियोजना विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान विभाग के भी मिले, जिनका निवारण शीघ्र ही किया गया तथा अभी शिक्षा विभाग से लगातार आय प्रमाण पत्र से संबंधित बातें आ रही हैं, जिसमें शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों में कैंप लगाकर आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही गई तथा इस जन्म समस्या शिविर में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सभी आंचलित क्षेत्रों के आवेदन पर निराकरण करने का दायित्व सभी अधिकारियों को संसदीय सचिव के क्षेत्र में कहा गया, जिसमें आवेदन की प्रकरण की तत्काल निराकरण की कार्यवाही पूरी की गई। पंचायत विभाग से कुल 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पेंशन के 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका निराकरण कर लिया गया है और सभी आवेदक पात्र। खबर गुजरात के भावनगर से है। राज्य में छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान के लिए प्रत्येक तालुका में 3 से 4 स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। उनमें से एक भावनगर के घोगा तालुका के बाबड़ी गांव का एक स्मार्ट स्कूल है, जो स्मार्ट है और हरा भी है। गांव बाबड़ी के स्कूल के ज्ञान की ओंगी में बैठकर शहर के मात देने वाले स्कूल में ग्रामीण अंचल के बच्चे पढ़ रहे हैं। कल से राज्य भर में स्कूल प्रवेश समारोह शुरू होने के साथ हम एक ऐसे अनोखे और अनोखे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक बार स्कूल के पंतगन में प्रवेश करने के बाद आपको हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आने की भावना के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। स्वच्छ वातावरण आपको सुगंध महसूस करता है। एक बच्चे को इस स्कूल में आने से जो सीखने का माहौल मिलता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ऐसे स्कूल में जा रहा है जो पढ़ाई न करने पर छात्र की गलती मानी जाती है। संबंध में बाबड़ी गांव के सरपंच श्री महेंद्र सिंह गोहिल बताते हैं कि बाबड़ी जैसा स्मार्ट स्कूल जो पूरे भावनगर जिले में उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार के विभिन्न अनुदानों का उपयोग करके बनाया गया है। जिले के अधिकारी भी उत्साहित हैं, जिससे ये संभव हो चुका है। स्कूल के शिक्षक भी उत्साहित हैं, जिससे ये सब संभव हो सका है।
सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।